नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अजीतपाल सिंह मांगट है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। आपके सामने आज बात करेंगे कि ये एमवे बिजनेस के बारे, कि ये बिजनेस क्या बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, पूरी दुनिया में लोगों को इतना क्रेज है इस बिजनेस का, तो क्या है ये आकर। और अपनी बात करेंगे, अपनी के हम कहाँ से थे, कैसे बिजनेस में आए, बिजनेस से पहले क्या बात क्या काम करते थे और कैसे इस बिजनेस में चैलेंज आए, उन चैलेंज को फेस किया, एजुकेशन ली, स्टडी की, चेंज किया, अपने आप को डेवलप किया और कैसे हम जे EDC लेवल तक पहुंचे, ये सब आपको हम बताना चाहते हैं, इसलिए ताकि आप लोग भी हमारी तरह डायमंड बने इस बिजनेस में, EDC बने, क्राउन बने और आगे तक जाएं। क्योंकि आप इसीलिए सुन रहे हो इसको, आपका मोटिव यही है कि आपको कुछ ऐसा मिले कि ये मांगट जी कैसे करके ये डायमंड कैसे बन गए, हम भी बनना चाहते हैं। तो ये बिजनेस करने से पहले हम तो गांव में रहते थे। मैं गांव में, ये गुरदासपुर पंजाब में एक छोटा सा गांव है, वहाँ ही मेरी पढ़ाई थी और वहाँ के स्कूल में मैं साइंस पढ़ाता था और साथ के साथ हम खेती करते थे। हमारी वाई खेती है, वहाँ पे हम फार्मिंग फैमिली को बिलोंग करते हैं और साथ के साथ नौकरी करते रहे। और नौकरी टीचर की नौकरी और गांव में ट्रैक्टर चलाते रहे 8-8 घंटे। मगर जो सपने थे, मन में कुछ और था, कुछ और भरा हुआ था, कुछ बड़ा करेंगे ज़िंदगी में, और वहाँ कोई चांस नहीं था। तो इसलिए हम अपने बच्चों को लेकर चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ हमसे 250 किलोमीटर दूर है। चंडीगढ़ इसलिए नहीं आए कि वहाँ हमारा घर है, वहाँ हमारी प्लॉट है, वहाँ घर बने, कुछ भी नहीं था। चंडीगढ़ में हमें कोई नहीं जानता था। हमने उस हिसाब से जब हम आए थे तो एक स्टूपिड डिसीजन लिया था। कोई भी ऐसा डिसीजन लेता नहीं है कि गांव में नौकरी, गांव में घर, गांव में ज़मीनें और यहाँ उठ के पागलों की तरह चंडीगढ़ आ गए बच्चों को लेकर। एक ही मन में ये लेकर के, चलो बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ेंगे, पढ़ लो लिख के अफसर बन जाएंगे और हम अपने वापस गांव चले आएंगे। तो पता नहीं कैसे करके यहाँ पर हमने अपनी बदली करवाई और यहाँ वी सेक्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाज माई लास्ट स्कूल। चंडीगढ़ के 2-4 स्कूलों में और भी पढ़ाया, पहले किराए पे मकान पे रहे, फिर हमें सरकारी मकान मिल गया, उसमें रहना शुरू कर दिया और ऐसे ज़िंदगी चल रही थी। बस ऐसे स्कूटर को किक्का मारते रहते थे और कोई पैसा तो था नहीं, जितनी इनकम थी उससे ज़्यादा खर्चे थे। गांवों से, भाइयों से पैसे लेकर आते थे जहाँ चंडीगढ़ सस्टेन करने के लिए, जहाँ जिंदा रहने के लिए। और ऐसे चल रहा था काम। 25 साल मैंने सरकारी नौकरी की और 25 साल सरकारी नौकरी करने के बाद भी मैं स्कूटर से गाड़ी तक नहीं पहुंचा था और मुझे कोई जानता नहीं था। वही लोग जो टीचर, जो रोज़मर्रा के जिनके साथ उठना बैठना था, उनके अलावा और कोई जानता नहीं था। और एक लड़का मेरे घर में आया और कहता कि आपको कुछ मैंने बताना है। मैं कह बताओ क्या है। और वो मेरे को MBA बिजनेस के बारे में बताने लगा और उसने भी प्रॉपर जो शोधी प्लान होती है कागज़ के ऊपर, उसने प्लान नहीं दिखाई, वो ऐसे हवा में बातें कर कर के मेरे साथ थोड़ी डिबेट में उलझ गया। और उन दिनों में हम अपने आप को बड़े सयाने और बड़े इंटेलिजेंट समझते थे, क्योंकि जिन लोगों के बैंक में पैसे नहीं होते उनके पास यही चीज़ होती है कि उनको ये भ्रम होता है कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। तो हम भी कुछ ऐसे ही थे। तो बातों बातों में हम किसी को जीतने नहीं देते थे। अब ये सिस्टम में आके पता चला, MBA में आके पता चला कि जो लोग बड़े हैं वो कम बोलते हैं, उनका बैंक बैलेंस बड़ा होता है मगर वो मुँह से सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम। हम बोलते ज़्यादा थे, सुनते कम थे, सुनते नहीं थे किसी की, तभी बैंक खाली थे। तो वो लड़का जब मेरे को बिजनेस के बारे में बताने आया तो मैंने ऐसे हूँ हाँ करके उसको भेज दिया वापस। वो कहता है एक मीटिंग है वहाँ पिकेडली होटल में, आप आना वहाँ, वहाँ आपको समझाएगी। मैं क्या मन मैंने सोचा कि तो अभी तो जहाँ फिर बात का बाद में देखेंगे। तो मैंने जुबान से बोल दिया भी ओके चलेंगे चलेंगे। तो जब वो टाइम आया मीटिंग का तो कहता है, मेरे को फ़ोन आया कि अंकल जी आप आ रहे हो। मैं कहा अभी कहाँ आना है। कहता पिकाडली होटल में। मैं कहा तू पहुँच ले, मैं तेरे से पहले पहुँचा वहाँ पे। और वो वहाँ धूप में खड़ा मेरी वेट करता रहा। मैं कहा टीवी पे शक्तिमान देखता रहा, मैं गया ही नहीं। मैं सोच रहा था कि ये मेरे को कुछ ऐसे गलत काम में डालने लगा है। तो ऐसे ही निकल गया और लोगों के फ़ोन आते रहे। हमने पहले बोली जी MBA, वो कहते आपको पता है। मैं MBA वाले सबसे पहले मेरे घर में तो आए थे। तो इस तरह का एक भरम था, भलेखा था। फिर एक मेरा और फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया। कहता क्या कहते भाई जी। मैं कुछ भी नहीं। कहते चले कहीं। मैं कहाँ।
कहता हमारे घर के पास उनका बड़ा बंगला था, उसका फादर डायरेक्टर था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, चंडीगढ़ में बड़ी कोठी थी उनकी। तो कहता हमारी पड़ोस वाली कोठी में कोई बाहर से लोग आए हैं, डॉक्टर टिल्लो है और मिसेज टिल्लो, दोनों डॉक्टर हैं उनके घर में, तो उन्होंने मेरे को बुलाया है, तो आप भी आ जाओ इकट्ठे चलते हैं। और मैं वहाँ पहुँच गया, पता नहीं इट वॉज गॉड्स प्लान, मैं वहाँ पहुँच गया। 15-20 लोग बैठे थे, बहुत बड़ा उनका ड्राइंग रूम था, भरा पड़ा था, और एक सरदार जी वाइट बोर्ड के ऊपर प्लान दिखा रहे थे। हम भी खाली कुर्सियाँ देख के बैठ गए वहाँ पे। शुरू मैं तो बड़ा क्लोज माइंडेड रहा, मेरे को लगा यार ऐसे बातें मार रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं बंदा ये। पर थोड़ी देर के बाद उसकी कुछ बातें मेरे को अच्छी लगने लगी, और जब तक उसने प्रेजेंटेशन ख़त्म की मेरे को ऐसे लगा कि जितने जितने लोग बैठे हैं ना, इन्हें पता नहीं करना कि नहीं करना, मैं करूँगा ये बिजनेस और इसमें मैं कामयाब हो सकता हूँ। ये मेरे को अंदर से एक वहाँ से एक फीलिंग आई, एक गट फीलिंग आई कि यस आई कैन डू इट। और मैं वहाँ से अपने स्कूटर पे घर वैसे आया जैसे वो बंदा जहाज पे आता है, उड़कर आता है हेलीकॉप्टर। रात नींद नहीं आई, मैं देख कर अरे यार ज़िंदगी पलट जाएगी, जो उन्होंने बोला अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगी। तो सुबह उठे, वाइफ कहते क्या था, कहाँ गए थे कल? मैं क्या, वो तो जो रिंकू आया था ना बिजनेस प्लान दिखाने के, तो बड़े ही कमाल का बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया है। तो मेरी वाइफ कहती है ऐसे आप बस ना झूम जाते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो, थैला पकड़ो और चलो सब्जी लेने जाना है। तो जो नहीं जिसने देखा वो तो यही बात करेगा ना, उसने तो देखा नहीं था। तो मैं कहा यार ये तो गड़बड़ होगी, पहले इसको तो पॉजिटिव करो, हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है। आज मेरी वाइफ, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में है आज, और आज ये शूटिंग पार्टी जो आज आई है, मैंने इनको बोला भी था कि यार आई वांट कि आप बाद में कहीं इसको स्केड्यूल कर दो ताकि मेरी वाइफ भी साथ हो, क्योंकि हम प्रमोट करते हैं इस बिजनेस में कि हस्बैंड वाइफ हर प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहें, और तभी ये बिजनेस तेज़ चलता है। क्योंकि जब वाइफ बिजनेस में आती है तो आपका घर बिजनेस में आ जाता है, बंदा बिजनेस में आएगा तो बंदा तो छड़कों पर ही आ जाता, घर की मालिक तो लेडी होती है, तो बंदा घर छोड़ के बाकी सारी दुनिया का मालिक होता है बंदा, तो वो अकेले बंदे से बिजनेस नहीं चलता है, ये लेडी का साथ है। आज मेरी वाइफ को मैंने बात की थी, मैं क्या वो आ रहे हैं एमवे से ये शूटिंग करने के लिए, तो तेरी तरफ से कोई मैसेज देना है? तो कहती मेरे को तरफ से यही बोल देना सब जितने भी एमवे पार्टनर हैं पूरी दुनिया के, इंडिया के, डाउनलाइन के, कि हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब लोग डायमंड बने। ये उनका मैसेज है रणधीर मांगट का, मैंने आपको दे दिया। तो ऐसे घर आए, वाइफ ने तो कोई दिखाई नहीं इतनी अर्जेंसी, तो मैं क्या इसको मीटिंग में लेके चलते हैं, तो मैं इसको मीटिंग में ले गया। एक वहाँ मीटिंग में ये पॉजिटिव हो गई, ये ताड़ी भी मार रही थी, हंस भी रही थी, और घर आके हमने दोनों ने सोचा कि हम करेंगे, एंड वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। वो लड़का जो सबसे पहले आया था हमारे घर में, उसका शायद ये पहला एंड आखिरी प्लान था जो मेरे पास वो आके उसने बात की थी, तो जो कनेडा से वो लेके आया था अपनी किट, वो हमारे घर में ही छोड़ गया। उसमें LOC था, उसमें टूथपेस्ट थी बहुत बड़ी 100 ग्राम वाली जैसी अब हमारी है, और उसमें काफ़ी लिटरेचर था। तो पहले तो हम उसको देखा ही नहीं, पर जब मैं मीटिंग से वापस आया तो मैंने आते ही उसकी वो किट खोल ली, और उसमें एक ब्लू डार्क ग्रे कलर का फोल्डर था, उसको मैंने बहुत पढ़ा। मैंने 2 दिन उसको पढ़ता, जैसे जैसे मैं पढ़ता था तैसे तैसे मेरे को और मज़ा आने लग गया, यार ये तो कोई बड़ी चीज़ है, यार मेरा विश्वास बढ़ता गया कि देखो बड़ी चीज़ हाथ लग गया। तो ऐसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी वाइफ कहती है 1 साल करके देखेंगे, 1 साल में कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रीथिंक करेंगे। मैं कहा ओके लेट्स स्टार्ट, और भगवान ने हेल्प की, और हमारे ऊपर तो भूत सवार था, हम तो रुकते नहीं थे इधर कभी, हर एक को जो भी जानता था सबको बिजनेस के बारे में बताया, बहुत लोग बिजनेस आए, बहुत लोगों ने मना भी किया, बहुत लोग हम पे हंसे भी, मगर हमें पता था कि हम जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। ये जो बंदा मेरे को मना कर रहा है, इसने अभी देखा नहीं है, इसकी दृष्टि वहाँ तक गई नहीं है, इसको नहीं पता है एमवे क्या है, जो हमें पता है इनको नहीं पता। तो हम गुस्सा नहीं करते थे, हम हंस लेते थे, कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते हमारा ग्रुप बढ़ता गया, हमारा 3% लेवल हमने पहले महीने अटेंड कर लिया, दूसरे महीने हमने 6% कर लिया, तीसरे महीने हम सीधे 12% पे पहुंच गए, और फिर 12 से 9 पे आ गए, थोड़ा बिजनेस कंसोलिडेट भी करता है, फिर 15 किया, और उसके बाद सीधे 21% पे पहुंच गए। आई वाज द फर्स्ट सिल्वर प्रोड्यूसर इन चंडीगढ़ का सबसे पहला सिल्वर प्रोड्यूसर मैं बना, और मेरे को इतना मोटा चेक आया, मेरी सैलरी 11-12 हज़ार आती तब, और मेरे को 4 गुना ज़्यादा मेरा चेक आ गया,
और मैं अपने को लगा के आया मेरे चमैन यार, क्योंकि एक बंदा 10,000-11,000-12,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाले को 40-50 बाहर से आने लग गया पार्ट टाइम में, तो कमाल होगी सब खर्चे पूरे होने लग गए। हमने एक मारुति खरीद ली जो ड्रीम था हमारा 25 सालों का, कि कभी हाथ अड़ा कहीं तो, हाथ अड़ा मतलब अब हिंदी में क्या कहोगे, कभी कोई ऐसा मौका बना तो हम भी एक चिट्टे रंग का मारुति खरीदेंगे, ड्रीम था। तो वो हमने खरीदी और बहुत मज़ा आया, बच्चों को इधर उधर घुमाया और हम और आगे बढ़ गए, हम प्लैटिनम बन गए, रूबी बन गए, फाउंडर प्लैटिनम, एक के बाद मांगट का नाम बजने लग गया पूरे पंजाब में, कि देयर इज समवन मांगट। जिसको पूछो आप किस ग्रुप में है, मांगट ग्रुप है, जिस ग्रुप में मांगट। टैगोर थिएटर में 1,000 सीट है, हम 2-2 सेशन कर देते थे उसके, और करते करते हम रूबी वॉल्यूम पे चले गए। एमवे ने हमें गोवा बुला लिया ALS पे एनुअल लीडरशिप सेमिनार, बहुत ही बढ़िया लीला पैलेस रिजॉर्ट, वहाँ पे हमने अटेंड किया। वहाँ दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे एमवे देखने के लिए, एमवे में जो डायमंड थे बड़े, डायमंड क्राउन, उनसे हम मिले और उनको देखकर मेरे को लगा यार बहुत लकी हैं हम, तो कमाल हो गया यार, ये कहाँ मिलना था हमें ये बिजनेस, तो हम तो फूले नहीं समा रहे थे। और वहाँ से कई बातें सीखी, चंडीगढ़ में आए, रूबी हो गए, रूबी पे चेक बहुत बड़ा होता है, 1,00,000 रुपये से ज़्यादा मेरा चेक हो गया था, 10,000-11,000 कमाने वाले का, और मैंने अपनी गाड़ियाँ चेंज कर ली। वो मेरा भतीजा था वो प्लैटिनम हो गया, वो मेरी मारुति ले गया, मैंने सेंट्रो खरीद ली, और 2 सालों बाद आई वाज एमरल्ड। और जैसे मैं एमरल्ड बना तो हमने और बड़ी कार खरीद ली, हमने लांसर खरीद ली, कि उस जमाने में वही होती और कोई गाड़ी नहीं होती, और होती तो टोयोटा खरीद लेते, तो वो लांसर हमने खरीद ली। छोटा सा सरकारी घर था, वहाँ किसी के पास गाड़ी मुश्किल से थी, और मैं लॉन्सर पर लेके आता था वहाँ, तब बहुत बड़ी गॉर्जियस कार लगती थी। हमने नौकरी छोड़ दी, वो सरकारी मकान भी छोड़ दिया, और सरकारी मकान छोड़ के हमने मोहाली बहुत बड़ा एक बंगला किराए पे ले लिया। वहाँ हमने अपनी बिटिया की शादी की, और बहुत उस जमाने में भी बहुत ही कमाल की शादी की। हर बंदा सोचता मैंने कमाल की है, बट दैट वाज रियली हमारी जो औकात थी उससे बहुत बड़ा हम कर पाए, जस्ट ड्यू टू एमवे ना होता तो ये बातें पॉसिबल ही नहीं थी। उस घर में हम रहे बहुत देर, हम डायमंड गए उस घर में, और डायमंड जाने के बाद हमने ये घर खरीदा जहाँ आप देख रहे हो आज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बात आपसे। और ये क्योंकि ये कोरोना के कारण लाइव बड़े बड़े फंक्शन अभी नहीं हो पा रहे, तो इसलिए हम ये वैसे वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं आपके साथ। तो ये घर हमने 2.5 करोड़ का प्लॉट लिया, और 2.5-3 करोड़ हमने ऊपर लगा के बहुत बड़ा अपने मन पसंद का, जैसे होटलों में एमवे हमें रखता था 5-7 स्टार में, वो जो टेस्ट था वही हमने टेस्ट यहाँ आके अपने घर में इसको ट्रांसलेट किया, और ये घर बना। एमवे ना होता तो क्या होता, सोच सोच के डर लगता है, हम वहाँ ही रिटायर हो जाते एज ए टीचर ही, और रिटायर होकर गाँव में चले जाते और वही ज़िंदगी जैसे घर के बुद्धू लौट के आए कहते हैं, वही का वही हाल हो जाता। आज पूरी दुनिया में हमारा नाम है, अब अमेरिका में लोग हमें जानते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कहीं भी चल जो लोग हमें जानते हैं ड्यू टू एमवे, कि देयर इज समवन मांगट। यूट्यूब पे अजीत पाल का भी अजीत ही लिखो तो सबसे पहले ऊपर अजीत पाल मांगट आ जाता है। इतनी वीडियो पड़ी हैं, मैंने नहीं पाई, लोगों ने डाल रखी हैं, हमारे बच्चे हमारे ग्रैंड किड्स वहाँ स्कूल में दिखाते हैं अपने साथियों को, देखो हमारे नाना नानी, देखो हमारे दादू दादी के बेटे, वो आते हमारे नाना की क्यों नहीं आती, वो कहती ओनली रिच एंड फेमस पीपल। तो जस्ट ए रियलिटी, मगर ये फुकरा बनती है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी ये ऐसी बातें, मगर ये इट्स ऑल ड्यूट टू एमवे, इसी का नाम है एमवे। लोगों को नहीं पता एमवे क्या है, लोग कुछ और समझी बैठे हैं। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, आप मांगट जी एमवे करते हो, हाँ मैंने भी किया था, मैं मेंबर बना था। मैं कहता तू मेंबर बना था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, दैट इज़ द डिफरेंस। तू मेंबर बना था ना किसी का, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, IBO इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, और आज मैं पार्टनर हूँ एमवे का, मैं अकेला मैं नहीं हूँ, आप भी पार्टनर ही बनते हो उसमें। तो ये बेसिक डिफरेंस है, लोग लर्न नहीं करते, लोग सीखते नहीं हैं, सीखना नहीं चाहते, वो जैसे थे वैसे के वैसे सोचते हैं एमवे कर लूँगा अमीर हो जाएगा। ऐसे हुआ कभी दुनिया में, जब तक अंदर से चेंज ना हो बैंक बैलेंस चेंज नहीं होता, एमवे आपको चेंज कर देता है। ये वीडियो मेरी जब चलेगी ना नेट पे, बहुत लोग लाखों लोग देखेंगे इसको, और किसी ना किसी को विश्वास आएगा भी नहीं यार देखना चाहिए, फिर से देखना चाहिए।
ऐसे हम लोगों को देख देख के इस लेवल तक पर हमें पता था कि ये बहुत बड़ी चीज़, रब ने आँखें दी हमें, रब ने हमें विजन दी थी जिसमें हमें नजर आ गया कि यार ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग तो पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं बिजनेस में। हमने मर्सिडीज खरीदी थी, हमारे घर में 2 मर्सिडीज हैं इस टाइम, एक GLS है, एक GLE है और एक फॉर्चूनर है, ऑल ड्यू टू एमवे। कहीं मैं एयरपोर्ट तक नहीं देखा था, मैं गया ही नहीं था कभी एयरपोर्ट पे, मेरे को पता ही नहीं था कि कैसे ट्रॉली में सामान रखते हैं और कैसे चेक इन होता है, कैसे सिक्योरिटी, पता ही नहीं, कभी एयरपोर्ट का जहाज की पूछ नहीं देखी थी। आज हमें कंपनी बिजनेस क्लास ट्रेवल करती है, बिजनेस क्लास। पहली बार हम बैंकॉक में गए, इकॉनमी में गए थे, तब हम प्लैटिनम थे, रूबी थे। पहली बार धरती के बाहर किसी दूसरे देश में पांव धरा, तो ऐसे फीलिंग आई थी जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने मून के ऊपर, चंद्रमे के ऊपर पांव रखा था ना, ऐसे लगा था कि हम भी यार अपने मुल्क से निकल के किसी दूसरे मुल्क में पांव रख रहे हैं। आज हम 40 से ज़्यादा मुल्क घूम रहे हैं, कंपनी हमें बिजनेस क्लास लेके जाती, सोकर जाते हैं उसमें। ये जितने बड़े बड़े सोफे हैं ना, 6-6 फुट, ऐसे जैसे तख्ते तउस होता है, ऐसी सीटें होती है जहाज के अंदर। इकोनॉमी में तो ऐसे बैठे होते हैं कि बिल्कुल ऐसे, मतलब समझो कि ना हाथ रखने की, कुनी रखने के लिए जगह है, ना पाँव फैलाने के लिए जगह है, तो बड़ी मुश्किल इकोनॉमी। और बिजनेस क्लास ये बिग 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 बटन दबाओ बेड मांग जाता है, उसकी हॉस्पिटैलिटी वहाँ की जो होती है, वो जो एयर होस्टेस वगैरह वहाँ आते हैं आपको, जो तो बड़े कमाल का एक्सपीरियंस है, ओनली एमबीए करवा सकता है और कोई। जब भी कंपनी लेके जाती है, अभी अबू धाबी में जाके आए हैं लोग, द बेस्ट होटल इन अबू धाबी, वहाँ एमबीए ठहराएगी। ऐसे नहीं कि थला दिया कहीं। हम दुबई गए, मार्क्विस होटल, टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। हम टोरंटो गए, द बेस्ट होटल। लॉस वेगास, इतना बड़ा होटल के चलते चलते होटल के अंदर भी जब तक खाने वाली जगह पे जाते हैं, खाना खा के पेट भर के जब तक कमरे में आते हैं, खाना हजम हो जाता है, फिर से दोबारा जाने की जरूरत पड़। इतने बड़े बड़े होटलों में हमने कभी MGM ग्रैंड देखना ही नहीं था, हमने कहीं और बड़े बड़े लाइव शो, लेडी गागा लाइव हमारे सामने आके गाए, बड़े बड़े जो मेरे को नाम भूल गए, जो पॉप सिंगर्स हैं अमेरिका के, जो मिलियंस डॉलर लेते हैं एक घंटा गाने के लिए, हमारे एमवे डायमंड के सामने उन्होंने गाया आके। एमवे बहुत बड़े बड़े फंक्शन कराती है, एमवे इज नंबर वन इन द वर्ल्ड, एमवे ऑलवेज गो नंबर वन। पहली बार जब हमें मौका मिला जहाज में बैठने का, तो हम बैंकॉक गए। बैंकॉक तो ये कोई भी जा सकता है, बिल्कुल पास है, 4 घंटे की फ्लाइट है, मगर हमारे मन में कुछ और था। अरे ऐसे लगता था जैसे वी आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फ्री ट्रिप, वो भी 5 स्टार में। तो जब बैंकॉक हम दिल्ली से उड़े और खा पी के जब सो जाते हैं, रात को लाइटें डिम कर देते हैं जहाज की, और सुबह जब हो रही होती है डान, तो वहाँ दूर से बैंकॉक की लाइटें दिखने लग गई थाईलैंड की, तो वहाँ ऐसे शीशे में देखकर मज़ा आने लगा कि जैसे अरे यार हम तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए, स्वर्ग में पहुँच गए। और जब उस धरती में जाके जहाज के नीचे उतर के किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन के ऊपर पाँव रखा, तो ऐसी फीलिंग आई जैसे नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमे के ऊपर पहली बार पाँव रखने में जो फीलिंग आई होगी थी ना, स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन एंड ए ग्रेट स्टेप फॉर मैन काइंड, उसने बोला था। तो ऐसे हमें लगा कि यार क्या मौजा है हमारी, तो हम तो टॉप हो गए यार, राजे बन गए इस बिजनेस में आके। तो कोई भी बन सकता है, वी आर नॉट स्पेशल, वी आर नॉट जीनियस, वी आर जस्ट कॉमन मैन, गांव में खेती करने वाले बंदे, ट्रैक्टर चलाने वाले बंदे, 8-8 घंटे धूप में ट्रैक्टर चलाते थे, गाँव के स्कूल में पढ़े, गाँव में पढ़ाते रहे, मगर आज दुनिया जानती है जीतपाल मांगड़ का नाम, क्योंकि हमने एमवे को सीरियसली किया। आज हम पूरी दुनिया देख चुके हैं। आप कहाँ, कोई किसी मुल्क का, लोग कहते मांगड़ जी कहाँ गए, मैं कहता तू किसी मुल्क का लें, मैं बताता हूँ कि मैं गया कि नहीं वहाँ पे। जितने दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, लॉस वेगास, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये हर जगह हम, फ्रांस, टर्की, इटली, ग्रीस, किसी मुल्क का नाम लो, साउथ अफ्रीका, सफारी, साबी साबी जंगल, केप टाउन, जोहान्सबर्ग, थक जाते हैं गिनते गिनते, इतनी जगह ये एमवे हमें घुमा चुका है, वो भी बिजनेस क्लास। अभी हम मॉरिशियस जा रहे हैं, अभी लास्ट मालदीव का ट्रिप था, तो बहुत ही कमाल का ट्रिप होता है। एमवे ट्रीट्स यू लाइक किंग्स एंड क्वींस।
इस बिजनेस का ये है सबसे बड़ा बेनिफिट कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कोई भी कंपनी होती है ना, एमवे कंपनी की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स फॉलो करती है कंपनी, जो फैमिली फ्रीडम, होप, रिवार्ड, जो इनके फाउंडर्स फंडामेंटल्स हैं, जो सेंक्टिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ वैल्यूज, ये जो एमवे फॉलो करता है, एमवे बहुत बढ़िया, एमवे का एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, फुली टैक्स पेड, कॉस्ट कैशलेस कंपनी है, मगर इनके प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल क्यों मशहूर हो गया, क्योंकि उनका आईफोन लोगों ने पसंद कर लिया, उनकी मैकबुक पसंद कर लिया। अगर उनका प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता तो एप्पल को किसने जानना था। एमवे के प्रोडक्ट दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वी आर लक्की कि हमें ये मिले प्रोडक्ट। हम सारी उम्र ये केमिकल खाते रहे, केमिकल का पोचा, केमिकल से टूथपेस्ट, केमिकल वाले बर्तन साफ, केमिकल से कपड़े धो, और केमिकल 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 अंदर केमिकल बाहर केमिकल। तो एमवे ने एक नई दिशा दिखाई है, हमें एक नया नया ज्ञान दिया कि ये केमिकल के बिना भी ये सारे टास्क हो सकते हैं। अभी एमवे का LOC लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, SA8 न्यूट्रीलाइट आर्टिस्ट्री, एप्साइटी, कोई मुकाबला नहीं है इनका। लोग आशा से उठते हैं जब एमवे का प्रोडक्ट देखते हैं, जब डेमो देखते हैं तो मान जाते हैं, फोन आते हैं लोगों के, अरे मांगट जी क्या बात है यार, क्या प्रोडक्ट है, क्या गोली है डेली न्यूट्रीलाइट डेली। और ये अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ लास्ट वीक, और मैं अपनी टेरेस पे खड़ा था तो मैंने देखा कि हमारे दो लान है, एक दीवार बाहर वाली दीवार के अंदर है, एक जो बाहर वाली बाउंड्री है पैरापेट उसके बाहर है। तो मैंने देखा कि ये थोड़े थोड़े जैलो पैच दिख रहे हैं उस पर। तो मैंने अपने सर्वेंट को बोला कि वो जो एप्साइटी पड़ा है ना, उसको डिल्यूट कर और उसके सारे के ऊपर स्प्रे कर दे। और आज मैं गाँव गया हुआ था, वहाँ आके मैंने देखा बाहर वाला पैच अभी भी जैलो है, अंदर वाला पैच लश ग्रीन हो गया। और मेरे को, मैंने किसी को दिखाया नहीं, मगर मेरे दिल में इतनी बढ़ गई ना उसकी बिलीफ, इतना मज़ा आया ना मेरे को, यार क्या प्रोडक्ट है मेरे के, किसी को हाथ लगा ले निरा ही सोना है। तो ये काम हम करते हैं, ये एमवे बिजनेस यही है कि प्रोडक्ट को यूज करते हैं हम लोगों को, अपने रिश्तेदार, दोस्त मित्र, नेबर, उनको भी ये प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं, उनको भी दिखाते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, वो मांगते हैं हमसे, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेल है ना। किसी भी चीज़ की कंपनी जो बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है तो सेल है ना। प्रोडक्ट की बात कर रहा था कि मज़ा आ जाता है इनके प्रोडक्ट को, हम तो खाली बोतलें भी फेंकने को जी नहीं करता, इतना प्यार है हमें प्रोडक्ट को। यूज़ करने के बाद जो खाली बोतल होता है ना, वो भी इतनी अच्छी है जैसे माँ बाप ने अपने छोटे छोटे बच्चों को, बच्चा जवान हो जाता है, दाढ़ी आ जाती है, मगर उसके कपड़े अभी भी संभाल के रखे होते, उनका जी नहीं करता फेंकने को। ऐसे हमें इतना प्यार है इनसे कि हमें तो खाली बोतलें भी फेंकने को मन नहीं करता, और इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। मैंने अभी बता रहा था कि अपने लॉन की बात, कि वहाँ मैंने ऐसे बोल दिया अपने हेल्पर को भी, तू भाई इसको एप्सा की स्प्रे कर दे, तो उसने अंदर तो कर दी, बाहर दी गई, मैंने अंदर के लिए बोला, उन्हें अंदर कर दी। मैंने अगले दिन, दो दिन के बाद मैं गांव चल गया, जब मैं आके देखा तो अंदर वाला तो लश ग्रीन था, लहरा रहा था, मैं दंग रह गया, देखा रहे मैं, क्या जी तो मैजिक हो गया यार। दे है एमवे के प्रोडक्ट, वी आर इनटू सेल्स, टर्नओवर का बिजनेस, वी क्रिएट सेल्स, क्योंकि लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट तभी तो बिजनेस है ना। अगर कोई यूज ही नहीं कर रहा, कोई बेच ही नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं, तो बिजनेस क्या है फिर, तो कोई और ही है। बहुत ही कमाल का बिजनेस। जो एमवे का एजुकेशन प्रोग्राम है, जो एमवे एजुकेट कर रही है, आजकल उन्होंने एक वर्टिकल बनाया जो, जिससे एमवे खुद अब ट्रेनिंग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लोगों को टीच करने की, इसलिए जो वीडियो बन रही है, पहले किसी थर्ड पार्टी से कराते हैं, वो नहीं है, अब एमवे खुद करती है। एंड इट्स ए वंडरफुल आइडिया, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है एमवे का, बहुत ज़्यादा लोग डायमंड दे रहे हैं, लोगों में इतना उत्साह है लोगों का, हम फ़ोन करते हैं, मैं इतना प्यार जो है ना एमवे में कहीं मिलता ही नहीं है दुनिया में जितना प्यार यहाँ मिलता है। अब देखो, मैं ऑस्ट्रेलिया से जब आया तो मैं एयरपोर्ट पर, दिल्ली चंडीगढ़ लैंड करना था, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मेरे को 10 लोगों के फ़ोन आए, मांगट जी मैं आपको पिक करूँगा एयरपोर्ट से। दूसरे का फ़ोन आ गया, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। तीसरे का फ़ोन आया, मैं क्या यार मेरा बेटा था, मैं क्या देख यार तू भी, मैं इतना बड़ा अफसर है, तेरे को कभी आया किसी का फ़ोन कि मैं तेरे को पिक करता है, नोट तो मेरे से ज़्यादा बनाता है पैसे ऑस्ट्रेलिया में। मैं क्या ये चीज़ कहाँ है, ये जो इज्जत मान रिकॉग्निशन, जो लोग आपसे ऑटोग्राफ लाइन बना के ऑटोग्राफ लेते हैं, जब हम BBS करने जाते हैं ऐसे बोलने बाहर, तो लोग लाइन बना लेते हैं,
ऑटोग्राफ लेने के लिए, सेल्फियाँ लेने में मज़ा आता है, घेर भीड़ घेर लेती है आपको, ऐसे लगता है कि हम तो कोई बहुत बड़े हीरो बन गए, स्टार बन गए यार। मगर स्टार हम अपनी दुनिया में स्टार ही हैं, बेशक हम बॉलीवुड के स्टार नहीं हैं, हम एमवे के स्टार हैं, आप भी बन सकते हो। मैं ये नहीं आपको बताने आया कि मैं बड़ा वो हूँ, आप, हम चाहते हैं आप बनो, आपकी स्टोरी हम सुने, आप डायमंड बनो, आपकी शूटिंग हो, आपके घर बने, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आए, आप बोलो, हम आपकी स्टोरी सुने, आप कहाँ से उठे, कहाँ से आए, कहाँ पढ़े, क्या करते थे एमवे से पहले, वी विल क्लैप फॉर यू, हम आपके लिए ताड़ी बजाएंगे, आप आओ ना मैदान में, आप सीखो इस बिजनेस को, सीखने का बिजनेस है। लोग भागते ज़्यादा है सड़कों पे, भागने का बिजनेस नहीं है, सीखने का बिजनेस है। जो सीखेगा वो कामयाब हो जाएगा, उसका बिलीफ बढ़ जाएगा, उसका विश्वास बढ़ जाएगा। चेहरे पे एक पॉजिटिविटी रखो हरदम, कीप स्माइलिंग, एक बार स्माइल करने से फोटो बढ़िया आती है, और हमेशा स्माइल करने से ज़िंदगी बढ़िया हो जाती है। जिनके चेहरे पे त्यूड़ियाँ होती हैं, जिनके घृणा होती है चेहरे के ऊपर, असली उनमें थॉट में घृणा होती है, दे थिंक नेगेटिवली, उनके दिमाग में जेलसी, ये कंपटीशन, ऐसी चीज़ें होती हैं उनके अंदर, वो देख नहीं सकते पॉजिटिव लोगों को, उनको समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ। एमवे की मीटिंग में आते हैं कभी तो जहाँ पॉजिटिव बातें होती हैं, उनको यकीन जहाँ नहीं आ रहा होता भी इस दुनिया में ये कैसी बातें हो रही हैं, उनके चेहरे पे स्माइल दिखेगी नहीं आपको। कुछ वो लोग हैं जो अंदर दिमाग से पॉजिटिव हैं, जिनका ब्रेन पॉजिटिव है, जिनके थॉट पॉजिटिव हैं, उनके चेहरे अपने आप खिड़ते रहते हैं, अपने आप खिड़ते हैं। ऑलवेज हैव ए कॉन्फिडेंट स्माइल, नॉट ए सिली स्टूपिड स्माइल, ऐसे बिना बात के हंसते रहना ये भी गलत है। कहीं भी प्रोफेशनली बी प्रोफेशनल, जहाँ ज़रूरत है। ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस, बिलीफ, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी। आप जो लोग सुन रहे हो ना अभी, ऐसे कोई स्ट्रीट वाले नहीं सुनते, जो चुराए के बल्कि चुराए पे खड़ के जो वीडियो नहीं बढ़ रही, वहाँ नहीं लोग सुनेंगे इसको, आप लोग सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप डायमंड जाना चाहते हो, आप ब्रेव हो। ओनली ब्रेव पीपल ज्वाइन एमवे बिजनेस, वीक पीपल डोंट ज्वाइन एमवे बिजनेस। वीक पीपल, वीक लोग हर दम ढूंढते रहते हैं कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें कुछ करना ना पड़े और मैं अमीर बन जाऊं, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अगर गलती से बन भी गए ना कहीं, तो फिर गरीब हो जाओगे। जिन लोगों की लॉटरी निकलती है ना, वो फिर गरीब हो जाते हैं 10 साल के बाद, क्योंकि एटीट्यूड तो है नहीं उनको, उनके पास। अगर जो हमारी औकात है, जो हमारी पात्रता है, जो हमारी एबिलिटी टू हैंडल मनी है, अगर उससे ज़्यादा पैसा आ गया ना, तो चला भी जाएगा, रहेगा उतना जितना आपका मेंटल लेवल है, उतना ही आपका बैंक का लेवल रहता है। ये बातें कहीं नहीं सीखी हमने, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी ने हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई कि स्माइल की क्या पावर है, ये एमवे में आके सीखी। तो ये बातें हम सीखते सिखाते हैं एक दूसरे से। हाँ, ये मैं इतनी बातें आपसे कर रहा हूँ, मैं कौन सा अंदर से मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ, मैंने किसी और से सुनी है, मैंने आपको अपने लफ्ज़ों में वो बात बता दी, आप मेरे को सुन रहे हो, कल आप अपनी ऑनलाइन में यही बातें करो, उनको सिखाओ, मगर इनको जियो पहले। ये नहीं कि आप तो कभी स्माइल करते नहीं, तो लोगों को स्माइल करनी चाहिए, ये तो बात थोड़ी बनी। कोई शराब पीने वाला बंदा ये प्रवचन दे कि नहीं शराब बहुत बुरी बात है, ये नहीं पीनी चाहिए, ये क्या बात बनी है? पहले अपने आप में वो चीज़ लेकर आओ, आपके अंदर, आपके दिल में, आपके दिमाग में, इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ यूर माइंड एंड सोल, एंड देन टीच अदर्स टू बिकम लाइक यू। यही काम हम करते हैं, हम दिल से बोलते हैं, हमारे पास कोई नोट्स नहीं है, हमारे पास कोई कागज नहीं हम लेकर आए, हमारे दिल बोलते हैं, हमारी जबान नहीं बोलती, हमारे दिल बोल रहे हैं, अपने आप निकली जा रहे हैं लफ्ज, मेरे को सोचना नहीं पड़ रहा है, मैं देख कहीं इधर रहा हूँ, कभी उधर रहा हूँ, मगर बातें अपने आप निकल रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के एक एक रोम में एमवे और एमवे की वैल्यू जो है वो बस गए हैं। तो ये बहुत ही कमाल का बिजनेस है। भगवान, मैं तो कहता हूँ कि एक भगवान ने हमें चुना इस बिज़नेस के लिए, आप लोगों को चुना इस बिज़नेस के लिए, बहुत लोगों को भगवान ने नहीं चुना, उनका सिर ऐसे हिल जाता है, हमारा ऐसे हिल गया, हम कौन होते हैं हिलाने वाले, कोई ऊपर बैठी है शक्ति ऐसे हिला दिया, थैंक गॉड कि ये बिज़नेस हमें मिल गया, ना मिला होता तो पता नहीं ज़िंदगी कैसी होती, अभी तक होते भी ना होते। तो ये इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, इतनी न्यूट्रीलाइट का दुनिया भर के अवार्ड जो है वो न्यूट्रीलाइट के पास हैं, आर्टिस्ट्री मांग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड, एमवे का जो बनाया है उन्होंने, प्लांट लगाया है वहाँ है चेन्नई के पास,
वो ऐसा शायद ही कोई इंडिया में हो, ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल से निकल के आए। फैक्ट्री ऐसी है, फैक्ट्री एमवे की ऐसी है कि जैसे कोई 5 स्टार होता है। और कोई बंदा जब फैक्ट्री से छुट्टी होती है देखना, जब मतलब बाहर निकल के आते हैं मुंह सिर कैसे, उनके कपड़े कैसे गंदे हुए होते हैं, ऐसी फैक्ट्रियों का हाल होता है। ऐसे ही एमवे को ऐसे सर्टिफिकेट, लीड सर्टिफिकेट मिला है उसका, द बेस्ट एमवे के। हम तो अमेरिका में भी एमवे का सब कुछ देखा है, हम फार्म देखा है उनके, उनकी वहाँ न्यूट्रीलाइट हेल्थ सेंटर देखा है। एमवे इज फार अहेड, कोई आसपास भी नहीं फटकता है एमवे का, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ अचीवमेंट्स, और इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडिंग वैल्यू टू द पीपल। कितने लोग जो हमारे जैसे, जिनके पास एक गज जमीन नहीं थी, आज बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं एमवे के। मेरे मेरी कोई इनकम नहीं है, और ये हमारे घर में जो भी आता है देख के, अरे मांगड़ी घर तो बड़े कमाल का बनाया। मेरी इनकम क्या है? और जो मैंने 25 साल सरकारी की नौकरी की है उसकी मेरे को 18,000 पेंशन मिलती है, और मेरे दो सर बनने 20,000 ले जाते हैं वो। तो अगर मैं एमवे ना किया होता तो कहाँ से देनी थी इनको सैलरी, तो आप खुद क्या खाना था? तो एमवे का कोई मुकाबला नहीं। तभी कहते हैं इसी का नाम है एमवे, इसको एमवे कहते हैं जो बहुत ही कम कर्मों वाले लोगों को समझ आता है। यू कैन ऑल्सो डू, एनीबडी कैन डू। भगवान ने हर बंदे, इस धरती पे ऐसे ही नहीं आ गए कि जहाँ ऐसे भगवान ने बोला कि चलो जब यहाँ वैकेंसी थी 84 लाख, जो उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, घूमते घुमाते ये एग्जिट मिला है आपको कि चलो आपका नंबर आ गया, चलो इन धरती पे पहुँचो। ऐसे कमज़ोर मत समझो कि मैं तो वीक हूँ, मेरे को कहना नहीं मानता, मैं तो गरीब घर में जन्मा हूँ। मैं कॉलेज जब पढ़ता था BSc में, मेरे पास एक या दो शर्टें थी, वो भी केमिस्ट्री लैब में एसिड पढ़ पढ़ के उनमें मोरियाँ हो चुकी थी, और मैं वही पहन के जाता था। एक पेंट थी मेरे पास, हम कोई शहनशाह नहीं थे। मैं जब गांव में फीस लेने जाता था ना अपनी माँ से कि मैं हॉस्टल की मेस की फीस देनी है, तो उसको भी पता था। तो जाके मैं घर की हालत तो देखता कि भी इनके पास तो पैसा ही नहीं है कोई भी, घर में तो सौदा मुका हुआ है। तो मैं पैसे मांगने की जगह रोने लग जाता था, और मेरी माँ को पता चल जाता है कि पैसे लेने आया है। पता नहीं कहाँ से वो सोना गहने पा के सुनारों के पास, अपनी वालियाँ तक गहने पा के हमें फिर पैसे देते थे। तो हम डायमंड बन सकते हैं, एग्जेक्टिव डायमंड बन सकते हैं, EDC आप क्यों नहीं बन सकते? क्या प्रॉब्लम है आपको? एक दिमाग में, दिल में बड़ा सा एक 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 एक, एक डिज़ायर लेके आओ कि मैंने कामयाब होना है, मैंने लाखों लोगों के अंदर वैल्यू ऐड करनी है। लेके आओ ना, पहले सीखो। पहले नहीं सीखोगे तो लोगों के अंदर क्या वैल्यू ऐड करोगे? पहले सीखो, जब सीख जाओगे तो फिर लोगों को सिखाना शुरू करो। बहुत बड़ा ग्रुप बने, आप जैसे लोग आपके नेटवर्क में आ जाएंगे, आपसे भी बढ़िया आ जाएंगे, हमसे ज़्यादा बढ़िया लोग हमारे नेटवर्क में आ चुके हैं। डॉक्टर आ गए, साइंटिस्ट आ गए, ब्रिगेडियर आ गए, मेजर जनरल आ गए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े रैंक। या हम कहीं छिपाई से भी शर्माते थे बात करने, अब बड़े बड़े लोग बिजनेस में आ गए। पावर ऑफ द नेटवर्क, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। कहीं चल जाओ, कहीं दफ्तर में चले जाओ, किसी बैंक में चले जाओ, कोई ना कोई पहचान लेता है वहाँ। अरे मांगड़ साहब, अरे मांगड़ साहब यहाँ कैसे? मैं कह ये काम था, कोई बात ही नहीं। कल हमारी, मैं गया था गांव में, अपनी कोई सेटलमेंट थी लैंड की, और मैंने एक DDPO को फ़ोन किया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड डेवलपमेंट अफसर। वो कहता मांगड़ साहब दसो की गल है। मैं कह आ काम सी, कोई गल नहीं, कहते प्रोसेस है, पर आप बैठे हैं ना, तो इट्स ऑल ड्यू टू MOA बिजनेस। MOA ना होता हमें कौन जानता? हमारे गाँव के लोग नहीं जानते थे हमें यार, आज हमें लोग जानते हैं, आपको भी जानेंगे, डोंट वरी। यही एक बिजनेस है, या एक लेगेसी क्रिएट करते हैं। बूढ़े हो जाते हैं, पेंशन खत्म हो गई, सॉरी एज खत्म, 58 साल की होगी, रिटायर हो गए, तो फिर क्या करोगे? यहाँ कोई चिंता नहीं है, आपके बच्चे संभालेगा आपका बिजनेस। एमवे ना होता कुछ भी नहीं था, जिंदगी बेहतर हो गई। हंसना सिखा दिया इस बिजनेस ने, डांस करना सिखा दिया इस बिजनेस में, गाना सिखा दिया, ग्रुप सॉन्ग, और कमाल हो गया। हमें लोग कहते हैं मांगड़ी 66 साल आपकी उम्र हो गई, आप इतने स्लिम ट्रिम अभी भी आप लगते नहीं। मैं कह एमवे का कमाल है, मेरा होता इतना बड़ा पेट होता अब तक, और पता नहीं 100 रोग होते। तो ये जब बंदा खुश रहता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं था वहाँ, मैं पहले गोल्डन टेम्पल गया, वहाँ मत्था टेका, इतनी भीड़ होती है वहाँ, भीड़ में 1.5 घंटा खड़ा रहा लाइन में, वहाँ देख कीर्तन सुना, देखा वहाँ 7 बजे थे, मैं 7 बज गए थे, मैंने वहाँ से गाड़ी चंडीगढ़ को
चला दी, 3 घंटे लगे। अभी 60 साल का बूढ़ा आदमी होता है अकेला, 3 घंटे में चंडीगढ़ पहुँच गया। तो ये एनर्जी ये एमवे की दी हुई है, जब आपके अंदर खुशी है ना, आपका दिल खुश है तो शरीर अपने आप ही खुश रहता है। अगर मन में विकार हैं तो शरीर भी विकारी हो जाता है, लहू में जहर बढ़ जाते हैं, बीमारी आ जाती है। तभी संत भक्त है, उनका चेहरा देखो कितना उनका साफ चेहरा होता है, कितना नूर होता है, क्यों बोला, उनके थॉट्स क्लियर होते हैं ना, उनको उनके अंदर कोई ईर्ष्या आती नहीं किसी के प्रति। तो इसीलिए ये ऐसी एजुकेशन जहाँ धर्मों में ग्रंथों में मिलेगी आपको, सत्संगों में मिलेगी, जय एमवे में मिलेगी, और कहीं नहीं है। तो मैं ये आपको यही कहना चाहता हूँ एंड में कि ऐसा बिजनेस कोई नहीं है दुनिया में। ये मत सोचो कि मेरे भाई ने किया था, फलाने ने किया था। अगर आपका भाई आईएएस फेल हो गया तो मतलब आप भी साथ ही फेल, रिजेक्ट हो गए, आप भी आपका नाम ब्लैकलिस्ट हो गया। ये कैसे सोच लिया आपने कि मेरा पड़ोसी फेल हो गया, मेरा रिश्तेदार आईएएस का पेपर दिया था वो फेल हो गया था, अब मैं भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता यार, एमवे मेरे कजन ने किया था वो फेल हो गया, बड़ा भागा था फेल। मैंने पहले बोला भागो जितने मर्जी, भागने का बिजनेस नहीं है, सीखने का है। लोग हमें आते हैं हमारे पास, वो मेरा एक भाई था, उसने मांगड़ साहब बड़ा किया था, बड़ा भागा था, पता ही नहीं क्या। मैं क्या मेरे को समझा बिजनेस क्या है, नहीं मेरे को इतना नहीं आता, तो फिर क्या तूने किया। तो तेरा भाई भी वो कह रहा है कि मेरा भाई फेल हो गया था इसलिए मैं भी फेल हो जाऊँगा। तू स्कूल गया ही नहीं, तूने पढ़ाई की नहीं, तू फेल हो गया तो स्कूल खराब है कि टीचर खराब है। तो ऐसे ही करते हैं लोग, 90% लोग ऐसा करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप इस बिजनेस को सीरियसली करो, सीखो ढंग से, पढ़ाई करो, बिलीफ बिल्ड करो, मीटिंग में जाओ, एमवे के मिलो, पूछो क्वेश्चन, पूछो, प्रोडक्ट यूज करो 100%, क्योंकि ये महंगे नहीं पड़ते और क्वालिटी दुनिया की बेस्ट है। यू कैन अफोर्ड इट, दे आर अफोर्डेबल बट दे आर द बेस्ट। बच्चों की सेहत चाहिए ना आपको, उनको केमिकल से बचाओ, अपने बच्चों को केमिकल से बचाओ। केमिकल बहुत है मार्केट में, टीवी पे पता नहीं क्या क्या ऊल जलूल पैसे दे के वो ऐड करते हैं, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। सच्चाई होती तो अपने आप चलते हैं। जस्ट इस बिजनेस को समझो, सीखो, ढंग से करो, एंजॉय करो, अपने बच्चों के बच्चों के लिए एक लगेसी क्रिएट करो, लगेसी क्रिएट करो, और पूरी दुनिया की सैरें करो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल पेड बाय एमवे। थैंक यू वेरी मच।